तो कैसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोग को ये चिमटा का बारे हम बता दिए हैं, स्पॉन्ज जैसे काम करता है ये ब्रेक पैड और ये नहीं करता है। तो हम आप लोग को अच्छे से ब्रेक क्लिपर का बारे भी बता दिए, पंजा का बारे में बता दिए और ब्रेक पैड का बारे में भी बता दिए कि कौन सा आपको अपना साइकिल। अगर आप वीडियो को क्लिक किए हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग का पैसा जो बर्बाद होने वाला था वो पैसा आपका सॉलिड बचेगा। हमारे हाथ में एक वी ब्रेक का क्लिपर है, ठीक है, चाहे लेफ्ट साइड का हो या फिर राइट साइड का हो ये मैटर नहीं करता। तो ये चीज़ को पहले आप समझें, अगर आप वी ब्रेक वाली साइकिल चलाते हैं, पावर ब्रेक जिसे हम लोग कहते हैं, इसका दो नाम होता है दोस्तों, इसे वी ब्रेक भी कहते हैं और पावर ब्रेक भी कहते हैं। अगर आप इस तरह का ब्रेक वाली साइकिल चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं, बहुत ही कमाल का जानकारी आप लोग को देंगे, बहुत ही ज़्यादा आप लोग को नॉलेज भी मिलेगा और हाँ, इससे आप लोग का पूरा पूरा पैसा बचेगा, आप लोग का जो है पैसा बर्बाद नहीं होगा अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो ये जो बी ब्रेक का कैलिपर है हमारे हाथ में, ये कैलिपर सही है लेकिन इसमें आपको जो है क्वालिटी वाइज आता है, ठीक है। ये जो वी ब्रेक का कैलिपर है, ये जो चिमटा आप देख रहे हैं एक साइड का, तो इसमें आपको चार तरह का क्वालिटी आता है। एक आपको लो आता है, एक आपका मीडियम आता है, एक आपका हाई आता है, एक आपका वेरी हाई आता है। तो आप लोग कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा आप लोग को और कुछ बताना चाहेंगे। ये जो वी ब्रेक का पैड है, अगर आप लोग का पुराना ब्रेक खराब हो जाता है वी ब्रेक इस तरह का, तो आप जब नया लगाएंगे तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ये बढ़िया वाला वी ब्रेक है या फिर ये ब्रेक पैड सही है या फिर नहीं है, कौन सा ब्रेक पैड हम अपना साइकिल में लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझें ये चीज़ को, जो चीज़ हम आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो हमें बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, तभी हम आप लोग के लिए ये वीडियो को बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग का कमेंट आता है कि राजू जी वी ब्रेक कैसे रिपेयर करें, कैसे ठीक करें, हम अपने से कैसे टाइट करें। तो इस पर दोस्तों हम ऑलरेडी डेडिकेट वीडियो बना चुके हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। आप जाइए एक एक वीडियो को देखिए और आप अच्छे से अपना साइकिल का वी ब्रेक को ठीक कर लेंगे, पावर ब्रेक जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर कहने वाली जो हमारा बात है दोस्तों, यहाँ पर जो है चीज़ हम आप लोग को बताना चाहते हैं, अगर आप ये कैलिपर वी ब्रेक कभी भी अपना साइकिल में न्यू लगवाते हैं जो पुराना वाला ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला चीज़ देखना है कि वो किस कंपनी का है। जो बढ़िया कंपनी का रहेगा उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और ये जो कैलिपर आप देख रहे हैं, जो पंजा देख रहे हैं, इसका जो मोटाई होता है दोस्तों, जो थिकनेस होता है, ठीक है, यानी ये पतला है, ये थोड़ा मोटा रहेगा, इसका जो थिकनेस रहेगा, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी शुरू से लेकर के एंड तक, और जो इसका वेट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। हालांकि ऐसे कम दाम वाला भी जो वी ब्रेक होता है, वी ब्रेक कैलिपर होता है, जो पंजा होता है, वो भी आपका सही रहता है, लेकिन क्या होता है कि उसका ब्रेक पैड बहुत जल्द घिस जाता है और ये आपका स्प्रिंग ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, स्प्रिंग का जो हार्डनेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो बढ़िया वाला वी ब्रेक होता है वो बहुत ही ज़्यादा दिन तक चलता है, स्प्रिंग वगैरह जल्दी ख़राब नहीं होता, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन ये ब्रेक पैड भी ख़राब हो जाता है। अगर आप अलग से कभी भी वी ब्रेक पैड भी लगवाते हैं तो कैसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोग को ये चिमटा का बारे हम बता दिए यहाँ पर कि चिमटा को मोटाई देखना है, मोटाई अगर चिमटा का सही है तो समझ ले वो सही वी ब्रेक है, आप अपना साइकिल में लगा लीजिए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा। सिर्फ ऑयलिंग मेंटेनेंस का आपको ध्यान देना है, टाइम टू टाइम यहाँ पर दो दो बूंद ऑयलिंग देना है और यहाँ पर दो दो बूंद ऑयलिंग करना है, बस आपका वी ब्रेक लॉन्ग टाइम तक चलेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। लेकिन बढ़िया होना चाहिए, मोटा वाला होना चाहिए। आप ब्रेक पैड का बात कर लेते हैं, तो पंजा को इधर में हम रख दिए, ये जो ब्रेक पैड आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ब्रेक पैड है तो इसका जो बोल्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो वाशर आप देख रहे हैं, हम खोल के आप लोग को दिखाते हैं, ये चीज़ को ध्यान से समझे, देखिए ये कितना पतला वाशर है, ठीक है। और ये वाला देखिए, इसका होल देखिए, ये हमारा नया ब्रेक पैड है दोस्तों, देखिए पुराना भी नहीं है, नया है, ठीक है। इसमें देखिए खालीपन है, ठीक है। तो ये ब्रेक पैड सही नहीं होता है दोस्तों, ये ब्रेक पैड कभी भी अपना साइकिल में ना लगाएं। अगर इस तरह का नट मिलता है खाली टाइप का, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए खाली है अंदर से, ठीक है, भरा हुआ नहीं है। अब हम आप लोग को एक और ब्रेक पैड दिखाते हैं, इसको चलिए साइड में रखते हैं, बाद में हम नट इसका लगा देंगे। ये देखिए एक और ब्रेक पैड हमारा, ये ब्रेक पैड को आप लोग अच्छे से देखिए, देखिए ये आपका ओरिजिनल ब्रेक पैड है, इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है, ये ब्रेक पैड देख लिए। अब इसका नट हम आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखिए इसका नट देखिए अंदर से भरा हुआ है ना, ये देखिए नट भरा हुआ है। तो इस तरह का नट वाला, फॉल्स नट वाशर वाला आप लोग को जो है ब्रेक पैड लेना है, ठीक है। ये थोड़ा व्हाइट पन में है, वो थोड़ा सा फुल ब्लैक पन में था, ठीक है। इस तरह का ओरिजिनल ब्रेक पैड होता है, ये वेरी हाई क्वालिटी, इससे भी एक वेरी हाई क्वालिटी आता है जो कि कलरफुल रहता है।
लेकिन ये आपका हर एक साइकिल में देखने को मिलेगा। तो ये ब्रेक पैड आपको मिलता है तो यही ब्रेक पैड लगाना है। इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा आपको ये ब्रेक पैड का मुकाबले, ठीक है। ये ब्रेक पैड आपको नहीं लगाना है, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा और ये बहुत जल्द घिस जाता है। ये जल्दी नहीं घिसता, ये आपका ज़्यादा दिन तक लॉन्ग टाइम तक चलता है, क्योंकि मेरा साथ ये प्रैक्टिकल हो चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम एक साइकिल मैकेनिक है और हमारे चैनल पर साइकिल से जुड़ा हुआ नॉलेजफुल वीडियो आप लोग को मिलता है। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दे, क्योंकि जिस तरह से वीडियो आपका काम आया उस तरह से अगले व्यक्ति का भी आएगा। तो कभी भी ब्रेक पैड अपना साइकिल में लगाएं वी ब्रेक वाली, तो इस तरह का ब्रेक पैड लगाना है, इस तरह का नहीं लगाना है। अगर इस तरह का लगाते हैं तो इसमें आपको भरा हुआ नट वाला एक और आ जाता है, वही ब्रेक पैड आपको लगाना है। हम कंपनी यहाँ पर नहीं बता सकते हैं दोस्तों, आपको ये नट के जरिए से ही पता चल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये जो ब्रेक पैड रहेगा, ठीक है, यानी ब्लैक, जैसा कि ये देख रहे हो फुल ब्लैक है और ये थोड़ा सा व्हाइट है, तो इसी में जो दूसरा वाला आएगा दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया रहता है। ये जो आपका थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, थोड़ा सा, ठीक है, और वो थोड़ा सा हार्डपन रहेगा जैसा कि इसमें आपका देख रहे हैं, ठीक है, ये फुल हार्डपन है। तो ये ब्रेक पैड जल्दी ख़राब नहीं होगा, जल्दी घिसेगा नहीं, लेकिन ये ब्रेक पैड बहुत जल्द घिस जाएगा, बहुत जल्द ख़राब भी हो जाएगा। जब ब्रेक प्रेस करेंगे ना तो ये लपर लपर करता है, ठीक है, यानी स्पॉन्ज जैसा काम करता है ये ब्रेक पैड, और ये नहीं करता है। तो हम आप लोग को अच्छे से ब्रेक कैलिपर का बारे में बता दिए, पंजा का बारे में बता दिए और ब्रेक पैड का बारे में बता दिए कि कौन सा आपको अपना साइकिल में लगाना चाहिए।